अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल ग्रुप ई लर्निंग। दिस इज वर्दा मान फ्रॉम सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। टुडे आई विल गाइड यू अबाउट क्रॉस एनाटॉमी चैप्टर 8, दैट इज नेक। हेड एंड नेक एज अ होल से आपको 13 एमसीक्यूज और 2 एससीक्यूज आने हैं, जिसके अंदर से जो नेक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो विल कवर बोन्स, फेशिया एंड सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेक। बोन्स की बात करें तो बोन्स आपने बीडी से उनकी डिटेल करनी है और एटलस से उनको देखना है, जिसके अंदर से हायोइड बोन प्योरली वाइवा क्वेश्चन है, जबकि जो एटलस और एक्सेस वर्टिब्री हैं वो आपने ऑस्पी के लिहाज से भी प्रिपेयर करने हैं, और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है टिपिकल और एटिपिकल ऑस्पी के अंदर बहुत पूछते हैं, एज वेल एज इन वाइवा। क्लिनिकल एनाटॉमी की आपने बीडी से लाजमी पढ़नी है और केएलएम से रीड करनी है। उसके बाद हम बात करें फेशियस की, तो फेशियस से आपको 2 एमसीक्यू लाजमी आने हैं, जिसके अंदर सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया और फिर हमारे पास आता है डीप सर्वाइकल फेशिया। इम्पॉर्टेंट डीप सर्वाइकल फेशिया, इसका पहला ही यूट्यूब बनता है कि कितनी फेशियल लेयर्स हैं। इन्वेस्टिंग लेयर की बात करें तो ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी सुपीरियर और इंटीरियर अटैचमेंट्स पूछते हैं और ये किन किन चीजों को इंक्लोज करती है ये पूछते हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास सुप्रास्टर्नल स्पेस एक इम्पॉर्टेंट यूट्यूब है, एससीक्यू है। फिर प्री ट्रैकियल लेयर, इसकी अटैचमेंट्स और कैरोटिड शीट। कैरोटिड शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बाउंड्रीज, इसके कंटेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके कंटेंट्स इन यूट्यूब में पूछे जाते हैं। और उसके अलावा इसकी कम्युनिकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये यूट्यूब में पूछा जाता है। रेट्रोफ्लैंजियल स्पेस और एलोफेशिया आपने रीड करना है। उसके अलावा जो वर्टिब्री लेवल्स हैं वो हेड एंड नेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद जो प्री वर्टिब्रल फेशिया के अंदर जो लिगामेंट की अटैचमेंट है T3 वर्टिब्रा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीडी के अंदर डिफरेंट मिलेगी, लेकिन आपने केएलएम वाली फॉलो करनी है। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी पे आए तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन आपने एक दफा रीड कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेक। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेक के अंदर स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड रीजन आपने रीड करना है अच्छे से एटलस सामने रख के, और फिर आपने आ जाना है इस टेबल पे। टेबल बेसिकली ट्राइंगल्स और उनके कंटेंट्स पे मुश्तमिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइंगल्स नेक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाइवा, एमसीक्यू, एससीक्यू हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इवन के ऑस्पी के अंदर भी इनके पॉइंट्स आते हैं। अब इनको आपने पढ़ना कैसे है कि आपने एटलस सामने रखनी है, एससीक्यू के अंदर ये पूछे जाते हैं कि इनकी बाउंड्रीज क्या है, बाउंड्रीज और कंटेंट्स आपने वहां एटलस से अप्रिशिएट करने और यहाँ से रीड करते जाना है। डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल और कैरोटिड ट्राइंगल यूट्यूब में आ चुके हुए हैं पहले। उसके बाद ये टेबल आता है, इस टेबल को हमने याद करना है मसल्स के लिए और उनके इनर्वेशन के लिए, जिसके अंदर से स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, इसकी इनर्वेशन, ओरिजिन, इंसर्शन, तीनों चीजें एज वेल एज इट्स एक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों मसल्स भी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लेटरल सर्वाइकल रीजन या पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन है, इसको भी आपने रीड करने के एक्सटेंट्स देखनी है। और लेटरल सर्वाइकल रीजन के अंदर फर्दर कौन से 2 ट्राइंगल्स हैं, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और एससीक्यू और वाइवा में भी टीचर्स पूछते हैं, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम फर्दर आ जाते हैं सुप्रा क्लेविकुलर आर्टरीज, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी और सब क्लेवियन आर्टरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनकी कोर्स और ब्रांचेस आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इट इज अंक्यू, इसकी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब क्लेवियन वेन इज अगेन एन एससीक्यू, आपने इसके कोर्स और ट्रिब्यूटरीज करनी है, नर्व्स के आपने सिर्फ नेम करने हैं। उसके बाद जो सर्वाइकल फ्लेक्सेस है, ये एक एससीक्यू है, टीचर्स इसको वाइवा में भी बनाने के लिए कह देते हैं, और कौन से मसल्स को ये सप्लाई करती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिम्फेटिक नोड्स, इनके आपको नाम लाजमी आने चाहिए और कौन सा किसमें ड्रेन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद आ जाते हैं हम इंटीरियर सर्वाइकल रीजन, इंटीरियर सर्वाइकल रीजन के अंदर कैरोटिड ट्राइंगल इज अ ग्रुप टू कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस के ऊपर नोट्स आते हैं। मस्कुलर ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एससीक्यू बनता है। उसके बाद जो हमारे पास मसल हैं इधर, उनके सिर्फ नेम और इनर्वेशन इंपॉर्टेंट है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड ग्रुप टू में आ चुकी हुई है, इसकी ब्रांचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मसल्स के आपको सिर्फ नाम आने चाहिए विद देयर इनर्वेशन, इन वाले मसल्स के सुप्रा और इंफ्रा हायोइड। फिर जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं एक्सटर्नल कैरोटिड की, उनको एनुमरेट करने के लिए बहुत बार कहा गया है यूट्यूब में, वो आपने याद करनी है। वेन्स, वेन्स का आपने इंटरनल जुगलर का लाजमी याद करना है और एक्सटर्नल जुगलर वेन का।
उसके बाद आ जाती है नर्व्स। नर्व्स के आपने करने हैं सिर्फ नेम्स, और जो सरफेस एनाटॉमी है वो आपने यहाँ से नहीं करनी। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप नर्व्स को इजीली अप्रिशिएट कर सकते हो। ये फिर आपने स्किप कर देना है क्योंकि सारा नर्व ये आ गया। फिर सब क्लेवियन आर्टेरियल पल्सेशंस और कैरोटिड पल्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपने वाइवा के यहाँ से देखनी है। फिर आ जाती है क्लिनिकल एनाटॉमी। इधर क्लिनिकल एनाटॉमी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स की फर्दर टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स के आपने कॉजेस देख लेनी है कि कौन सी कॉज किस टाइप को कॉज कर रही है और क्या सिम्टम्स हैं। उसके बाद रीड करने वाली चीजें हैं, वो आपने रीड करनी है सिर्फ। उसके बाद आ जाता है सेवरेंस ऑफ एक्सटर्नल ड्यूरल वेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको वीनस एयर एम्बोलिज्म के लिहाज से क्लिनिकल सिनेरियो बना के रखते हैं आपके सामने। और लेजन्स ऑफ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ये ऐसी क्योंकि भी आपने पढ़ना है। जो लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एसिक्यू है, एमसीक्यू भी बनता है यहाँ पे कि जब हम इसको लाइगेट कर देते हैं तो कौन सी आर्टरी कोलैटरल सर्कुलेशन देती है, तो ऑक्सीपिटल आर्टरी कोलैटरल दे रही होती है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास रीड करने वाली चीजें एक्सेप्ट कैरोटिड पल्स, जो कि हमने वाइवा के लिए प्रिपेयर करनी है। इंटरनल जुगुलर पल्स, हम कहाँ पे फील करते हैं और हम वेन पंक्चर कहाँ पे करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। Thank you so much for more SEQ and MCQ coverage to Consult Medical Globe Crack Series. Stay tuned for more videos. Medical Globe introduces its series of successful publications, MBBS Cracks, the benchmark of all, containing all the chapter-wise questions of prime importance, all annual and supply solved university questions, questions to ace your vivas, chapter polls, and of course, we have incorporated all the labeled and histologic and anatomic models in high resolution for your distinction level OSPI preparations. Medical Globe has also launched a gem in the medical world to master every concept for your multiple choice questions, the MCQ cracks encompassing UHS, NAMS, and many others, ruining the UHS MCQ rank, your practice MCQs, and topic wise MCQs. Get your MCQ and MBBS cracks at your doorstep by placing your order at 0335-66-33007.